श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्थस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। गुरुवर्थे तक्तराज्यो विचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्परसाक्षमाभ्यां मृजितपथुर्जोजो हरिन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याक्षूर्पणख्याः प्रियविरह रुजारोपितभ्रूभृजृम्बत्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदौ दहनो कौशलेन्द्रो वतान्नः। यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तनमयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्री जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाव जासु कृपा निरमल मति पाव तुनी
मन वचन कर्म रघुनायक, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सबलायक, चरण कमल बंदौ सबलायक, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण पद जल जाता, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, श्री राम जय राम जय जय राम। रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामि, सुर सुशील भरत अनुगामि, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आपु बखाना, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मिटि हैं पाप प्रपंच सब अखिलय मंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। श्री सीताराम 29वां वार्षिकोत्सव, रामचरितमानस कल्प कल्प की कथा है, कल्प भेद की कथा भी है। कल ही एक कल्प बदल गया, दूसरे कल्प की कथा कहने के लिए कोई दूसरा आ गया। राम कथा वार्षिकोत्सव निरंतरता के साथ चल रही है। ये राम कथा की प्रवाही परंपरा का सद्य प्रमाण है। ये कल्प भेद की कथा है और कल्प भेद में कहां से कहां जुड़ जाती है, लेकिन वक्ता और श्रोता अक्षुण रहते हैं। बस देश काल परिस्थिति के अनुसार उनका शरीर कुछ समय के लिए युग युग के हिसाब से बदल जाता है। एतावता श्री हनुमान जी महाराज की अहेतु की कृपा रही है कि यह परंपरा अक्षुण रही है और आगे भी अक्षुण रहेगी। और मानसराज हंस पंडित वियानंद त्रिपाठी की परंपरा जो ओतप्रोत है राम गुलाम द्विवेदी जी की परंपरा से भी, जो ओतप्रोत है, मैं बार बार स्मरण करता हूँ, बड़ा अपने आप को हर्ष का अनुभव होता है कि काश जिह्वा स्वामी की प्रेम रामायण देव रामायण की परंपरा से। आइए प्रसंग वही चल रहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, यहीं तक चली थी। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, जब कभी वक्ता
अपने दूसरे वक्ता के पद कमलों पर या उनके बताए हुए पथ पर अनुसरण करता है तो बड़ा हर्ष का अनुभव होता है कि चलिए कुछ तो और कुछ मिलेगा, कुछ और जोड़ा जाएगा। शबरी जी अनायास याद आ जाती हैं गीतावली रामायण। गीतावली रामायण में जो गोस्वामी तुलसीदास जी की कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी की अप्रतिम कृति है, माता शबरी के द्वारा जो प्रेम परोसा गया है वहां भक्ति का वर्णन नहीं है। भक्ति का वर्णन तो गोस्वामी जी ने यहां किया अपने आचार संहिता शबरी जी से भेंट का वर्णन है। राग सूहो की बात है, गोस्वामी जी ने निबद्ध किया, क्या बात, पता चला शबरी जी को कि भगवान आ रहे हैं। भक्ति का निरूपण तो होगा और निरूपण तो करते 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 उसका कोई आरावार नहीं है, बस एक तत्व तो आ जाए, प्रेम तत्व तो आ जाए, क्योंकि दूसर रतिमम कथा प्रसंगा यह आसान चीज नहीं है और बहुत आसान भी बहुत सरल है। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा जो चल रही है, प्रथम भगत संतन कर संगा, संग तो मिल जाएगा, संग की बात क्षणार्ध संग की बात तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तूल नता इस कल मिली जो सुख लो सत्संग। ये कौन कह रहा है क्षणार्ध सत्संग? सब लोग लंका, अरे सब लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लंकिनी कह रही है क्षण सत्संग है। लेकिन शबरी जी के अंदर जो अप्रतिम प्रेम है, अप्रतिम प्रतीक्षा है, गोस्वामी जी ने गीत के माध्यम से, गीतावली के माध्यम से रखा। वो ऐसे वैसे की शिष्या नहीं है, मतंग ऋषि की शिष्या है। सबरी सोई उठी सीताराम, सबरी सोई उठी फरकत बाम बिलोचन बाहु। उठ गई थी, उठ रही है वो 88,000 साल की वृद्धा तपस्विनी शबर जाति की। ये सब पता आप लोग को है, अधम ते अधम अधम अति नारी। लेकिन आज गोस्वामी जी गीतावली की रामायण में क्या कह रहे हैं? सबरी सोई उठी फरकत बाम बिलोचन बाहु। सकुन विचार भी गोस्वामी जी ने रामाज्ञा प्रश्न में रखा। स्त्री का बाम अंग फरकता है तो सूचक होता है शुभ का, पुरुष का दाहिना अंग फड़कता है तो सूचक होता है शुभ का। आज माता शबरी का बाम अंग कहीं फड़क रहा है, उठ गई, क्या हो रहा है? कि सगुन सुहावने सूचत मुनि मन अगम छाहू। हाँ हाँ, सगुन है और 88,000 वर्ष की तपस्या करते करते वो वृद्धा को सगुन का भी कहीं आभास है, जो निरंतर प्रतीक्षा के क्रम में राम 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 जपते जपते अपने गुरु की भक्ति में लीन रहते हो। गुरु की भक्ति क्या है? बोले गुरु की आज्ञा ही गुरु की भक्ति है, गुरु की आज्ञाएं गुरु की भक्ति है। इसी मंच से मानस रत्न के द्वारा खड़े होकर जब बोला करते थे भागवतानंद जी की कथा के उपरांत दो क्षण कहने के लिए बोलते थे, तो कभी ने कहा था असार संसार समुद्र मध्य समज्जतो मे शरणम निमज शरण समज्जतो मे शरणम किमस्ति। शंकराचार्य का वाक्य है, असार संसार समुद्र मध्य समज्जतो मे शरणम किमस्ति। बोले गुरु कृपालो कृपया वदेद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। बोले किसका स्मरण करना चाहिए? शंकराचार्य के शिष्य ने पूछा, पट्ट शिष्य ने पूछा,
कि असार संसार में, इस महासागर रूपी संसार में जहां कहीं सार ही नहीं है, किसका आश्रय लेना चाहिए, किस नौका पर बैठकर इस संसार को पार करना चाहिए? सत्येंद्र जी कैसे, प्रसन्नता कैसे पार करना चाहिए? समज्जतो में शरणम किमस्ति, किसका? बोले गुरु कृपालु, जो कृपालु गुरु है ना, उनके चरण का रज लीजिए, उनके चरण रूपी नौका का आश्रय लीजिए, अथवा तो अपने काशी विश्वनाथ का आश्रय लीजिए। क्योंकि त्रितुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर को जाना। ये कौन है? आन जीव पावर को जाना। तो संसार के समुद्र, संसार रूपी समुद्र को प्राप्त कर पार करने के लिए जो गुरु रूपी नौका है, गुरु की आज्ञा है, आज सबरी जी को फिर याद आ गई कि हाँ हाँ, गुरु जी ने जो कहा था कि राम राम जपते जपते, जब सगुण रूप में वो राम प्रकट होंगे ना, तब आप उनका दर्श परस कर लोगी ना, तो आपके मन की जो वो लालसा है, उत्कंठा है, वो अपने आप ही इस भाव से पूर्ण हो जाएगी कि आपने निर्गुण राम को केवल गुरु की आज्ञा का पालन करने के क्रम में केवल जपा है, उस दर्शन कर लोगी। हम सबके अंदर वही आकांक्षा, गुरु ने जो मंत्र दिया है, आगे के प्रसंग में वो आएगा नवधा भक्ति में, हम सब गुरु के मंत्र के द्वारा चलते चलते कभी मंदिर में दर्शन करते हैं, कभी उनके गुरु स्थान का दर्शन करते हैं, कभी उनके चित्र का दर्शन करते हैं, कभी उनके द्वारा जो मंत्र का अपने बुद्धि विवेक के अनुसार उसका स्मरण करते हैं, अपनी दृष्टि पटल पर, अपने मन पटल पर लेके आते हैं। क्यों? आखिरकार क्यों? बोले नहीं नहीं वो तादात्म्य करने के लिए आते हैं, तादात्म करने के लिए आते हैं। बोले क्यों तादात्म करने के लिए आते हैं? बोले कि उसी के तो हम अंश हैं, हम तो अंशी उसके हैं, वो तो अंश और अंशी की बात है, इसलिए आते हैं। आइए मालवीय महाभागा सीताराम, हम तो उसी के अंशी हैं, अंशी और अंश, वो अंशी है, हम उसके अंश हैं। होगा क्या? बोले जीवन भर की प्रतीक्षा, हम तो 100 वर्ष की आयु मान चुके हैं अपने आप को, और वर्ण व्यवस्था में बताया गया है 100 वर्ष की आयु है। गुरु का आश्रय मिल जाए और गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र शिक्षा दीक्षा मिल जाए, चरैवेति जो वेद भगवान और उपनिषदों का ब्रह्म ज्ञान है, उस चरैवेति, उस सत्ता को देखने की लालसा है। क्यों सत्ता को देखने की लालसा है? बोले क्यों? बोले कि हम जीव हैं, हाड़ मांस के जीव हैं, नहीं समझ में आएगा। अगर प्यास लगी है तो जल चाहिए, और जल का आधान चाहिए, केवल जल जल रटने से काम नहीं होगा। लेकिन तब ये भक्ति है, ये ऐसी वैसी भक्ति नहीं आएगी। तो बोले मंत्र, मंत्र करना, मंत्र जो गुरु जी ने दिया, गुरु कृपालो, ये बहुत बड़ा तत्व की बात, बहुत बड़ी तत्व की बात है। गुरु ने कहा और आपने उस मंत्र को धारण किया, गुरु ने उस मंत्र को अनुभव करके आपको दिया है, अपनी तपस्या दिया है, और तपस्या का मूलभूत सूत्र क्या है? प्रतीक्षा। आज 88,000 वर्ष की वयोवृद्धा क्या कल्पना करिए, हम 100 साल के वृद्धा को देख लें, या किसी पुरुष को देख लें जो उसकी उम्र 100 साल की हो गई हो, उसकी चेतना को देखें, अगर उसकी चेतना भगवत भक्ति में लगी हुई हो, तो भी वय और जो वय है वो छोड़ती नहीं है,
झुर्री लग गई होगी। और जिसने राम 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 रट कर दिया हो उसको क्या सगुन उगुन समझ में आएगा क्या? अरे सगुन उगुन समझ में आने, सगुन अगुन इसलिए बोल रहा हूं कि एक समय के बाद अपने आप तादात निराकार ब्रह्म की तरफ मन जाने लगता है। लगता है कि हां राम राम कर लिया, कहीं दर्शन कर लिए, चारों धाम कर लिया, पितरों के लिए, पितरों की शांति के लिए गया इत्यादि श्राद्ध कर लिया, ब्रह्म कपाली में जाकर पिंड इत्यादि कर दिया। दिखा तो नहीं ना, गुरु का मंत्र ही दिखा है और गुरु की प्रतीक्षा दिखी है। वो मन में है, जिस रास्ते पर अब जिस पथ पे आप आए हो, जिसकी कथा भी सुन रहे हो ना, तो कथा सुनने के लिए प्रथम भगत संतन कर संगा, जब संता जब भगत कर संता जब हो गई, संतों का संग हो गया, तब आप दौड़ के आए ना, श्रद्धावश आ गए। चुटीली भाषा में कहा जाए तो दुकान खुल गई है। दुकान के मालिक खोल के बैठे हुए, चलिए मैं आपको तत्व देता हूं, दर्शन करा दूंगा, कहीं ना कहीं लालसा है, कुछ जन्म जन्मांतर के कुछ कष्ट हैं जो पाप के रूप में अभी हैं, वो गलित हो जाएंगे, चलिए वो भी समझ में नहीं आ रही बात। तब बोले ऐसे लोगों के साथ आज की भाषा में गेट टुगेदर होगा, एक समान रूप से बात होगी कि आपने वो देखा है क्या, आपके गुरु ने जो मंत्र दिया उससे क्या, फिर हम उसी संसार के चक्र में फंसेंगे, हमने ये मंत्र का जप किया, उस मंत्र का जप किया तो हमारे यहां बड़ा सुंदर, हमारे यहां सुंदर प्रयोजन हो गया, गुरु के आश्रय से हमने क्या किया कि हम बहुत गरीब थे, धन के रूप में गरीब थे, यहां स्पष्ट बोलना चाहिए, हम गरीब तब धन के रूप में दरिद्र थे, धन का अभाव था, क्योंकि धन का जो अभाव है उस धन के अभाव में संसारिकता पूर्ण नहीं हो पाती है, संसार में पार नहीं कर पाते हैं। तात्विक शब्दों की बात नहीं करें, जो भौतिक शब्द हैं वो उसके लिए धन ही बहुत बड़ी चीज है। तो गुरु ने ऐसा मंत्र दिया, ऐसा कुछ अनुष्ठान कराया, हो गई वहां तक बात हुई। बोले वो मंत्र हमें दे दीजिए। बोले उसके बाद भी तो ये बात सबरी जी की यहां निवेदन करने के लिए उद्धृत हो रहे हैं, ये ऐसी वैसी नौदा भक्ति नहीं है। नौदा भक्ति तो श्रीमद् भागवत में भी दिया है, लेकिन गोस्वामी जी ने निचोड़ करके रखा है कि प्रतीक्षा। अगर सबरी जी को एक शब्द में कहा जाए वो किसकी प्रतीक हैं, संसार प्रतीक पर ही चल रहा है ना, प्रतीकवाद के लिए बड़े बात कर रहे, किसकी प्रतीक हैं? बोले गुरु भक्ति और प्रतीक्षा की प्रतीक हैं वो, और तो कुछ नहीं है। तत्व तो है क्या? बोले अगर प्रतीक्षा देखनी है तो सबरी जी को देखिए, सब लोग को वो पता है, वो कथानक सबको पता है, हर कथा में आपने सुना है, हमारे मुख से भी सुन लीजिए कि एक बार एक भक्त बैठे हुए थे यहीं वृक्ष के नीचे, अस्वस्थ वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे थे अपने गुरु की आज्ञा से। हमारे देवर्षि नारद, कुछ समय जब तपस्या दृढ़ हो जाती है, गुरु की भक्ति, गुरु का, गुरु के मंत्रों पर विश्वास हो जाता है, तब ऐसी घटना परिघटना होना घटना शुरू हो जाती है। क्या हुआ? देवर्षि नारद आकाश मार्ग में चलते हुए देखे कि एक बड़ा इस कलिकाल में बैठा हुआ अस्वस्थ वृक्ष के नीचे गंगा जी के समीप, भगवती गंगा के समीप इस घोर कलिकाल में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक मंत्र का आश्रय लेकर भगवत चिंतन कर रहा है। पूछे किसके लिए कर रहे? भगवान ने वेश बदला, देवर्षि नारद ने वेश बदला, मनुष्य रूप धारण किया, दंड प्रणाम हुआ, किसके लिए कर रहे हो? बात खुली सत्संग की माध्यम से। बोले कि हम तो
भगवान के सगुण रूप का चिंतन कर रहे हैं, अपने गुरु ने अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का अनुसरण कर रहे हैं, उनका अनुकरण कर रहे हैं, उनका सद्योपासना उसकी कर रहे हैं कि तुरंत मिल जाएगा, गुरु ने बताया है। बोले अस्वस्थ वृक्ष देखा है ना? बोले हाँ, आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि जितने वो अस्वस्थ वृक्ष हैं उसके कितने जो इतने पत्ते हैं उतने सहस्त्र दिन तक आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तप करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा, तब भगवान मिलेंगे। गुरु कृपालु, गुरु की भक्ति का आश्रय लेते उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जीवन ही जीवन अक्षुण रहेगा, तत्व अक्षुण रहेंगे, आत्मा तो नहीं मरेगी ना, परमात्मा के मिलन के लिए मैं वो कर रहा हूं, ये शरीर बदलेगा ना, शरीर ही बदलेगा ना। देवर्षि नारद ने कहा कि धन्य हो, भगवान तो सद्य मिल जाएंगे। कई लोग कई जगह से कई तथ्यों से कहते हैं, आज सबरी जी मैं निवेदन कर रहा हूं गीतावली रामायण की, सबरी जी 88,000 वर्ष की अवस्था है, बार बार पुनरुक्ति नहीं है। सोचिए कि 50 साल की अवस्था होने के बाद आपकी जिम्मेदारी, जो भौतिक जिम्मेदारियों के बाद आप सगुण अगुण और चाहे मोटी मोटी स्थूल चीजों पर आप ध्यान देते, बोले नहीं सब वहम है, मन का वहम है। सावधान, हम श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने रामाज्ञा प्रश्न रखा है। सगुण सूचक अपसगुण सूचक बहुत बड़े ज्योतिष के विद्वान रहे हैं। हम और आपसे निवेदन क्या करना चाहते हैं? बोले गुरु की वो दृढ़ भक्ति, गुरु के द्वारा बताया गया और अपने शरीर में जो उल्लास हो रहा है, जिसको लेकर हम उस परम ब्रह्म की उपासना के लिए जा रहे हैं, वो सूचक अंग जब फड़का है कि सबरी सोई उठी फरकत माम विलोचन बाहु, उठ गई। बोले क्यों सगुन सुहावन सूचत मुनि मन अगम उछाहु। अरे हाँ, सगुन है, लगता है कि अब तितिक्षा खत्म हो रही है, वाम अंग फड़क रहा है। तब क्या हो रहा है कि मुनि अगम उर आनंद लोचन सजल तनु पुल कावली, अश्रुधारा निकल गई। मुनि मतंग की बात को, उस मुनि अगम अगम अर्थात जिन्होंने इतनी दूर की बात रख दी थी कि नहीं नहीं तुम केवल नाम का आश्रय करो, उसकी क्या बिसात, वो दौड़ के आएगा। मैं विषयांतर अगर नहीं हो रहा हूं तो एक सद्य रसखान नाम के कवि हैं, कथा का प्रसंग व्यास समास गति से। रसखान को सब जानते हैं, बच्चा बच्चा भारतवर्ष का जानता है, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जानता है, भक्तिकालीन जो समय था उस समय के सशस्त्र हस्ताक्षर थे कहां, बोले कृष्ण के लिए, लेकिन उन्होंने भी खूब रगड़ा है। अपनी रसखान जी ने अपने जो कविता के माध्यम से जो जागृति रखी, जाति के यवन थे आज की भाषा में मुसलमान, लेकिन उन्होंने भी ब्रह्म का निरूपण करते करते बहुत रगड़ा है, बहुत उन्होंने ब्रह्म को देखा कि नहीं दिख रहा, बोले क्या क्या किया कि ब्रह्म जो देख्यों पुराणन गानन दीप सिखा सुने चौगुने चायन। ब्रह्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा तो मानव प्राणी की, मानव मात्र प्राणी की एक उत्कट अभिलाषा है। आहार निद्रा भय मैथुन के ऊपर की जब तत्व की बात होती है तब ब्रह्म की बात आती है, तब भक्ति
कुछ बात आती है, नहीं तो सब दिन वही हो रहा है। तो ब्रह्म जो देख्यो पुराणन गानन, दीप सिखा सुने चौगुने चायन। हम सभी जितने बैठे हुए हैं पुराणों का आश्रय ले रहे हैं, किसी विद्वान का आश्रय ले रहे हैं, कर्मकांड विषयक शुक्ल यजुर्वेद माध्यंगिन शाखा, कृष्ण यजुर्वेद कण्व शाखा, सामवेद ऋग्वेद, सबकी ऋचाओं सबकी और उपनिषदों की वल्लियों का आश्रय ले रहे हैं। बोले किसके लिए? बोले ब्रह्म जो देख्यो पुराणन गानन, उन्होंने भी वही किया। दीप सिखा सुने चौगुने शायन, दीप सिखा अर्थात श्रुति भगवती अर्थात वेद नारायण का भी आश्रय लिया, सुना। अधिकारी नहीं थे, सुनने के अधिकारी थे, कहीं छुप के सुना होगा। देख्यो सुनो न कतहु न कितो, वह कैसे स्वरूप कैसे सुभायन। हे बाबा, कभी देखे हो क्या वो कैसे स्वरूप के हैं? वो नंदन नंदन किस स्वरूप के हैं? वो कौशला नंदन किस स्वरूप के हैं? ये उत्कंठा क्या आप और हमारे में है? बोले हाँ है। तभी तो हम मंदिर मंदिर घूमते हैं, प्रसाद प्रसाद घूमते हैं, संतों की सेवा में घूमते हैं, उनके चरण रज के लिए लालायित रहते हैं। अभी अभी तो माघ मेला में हम लोग बैठे थे, संतों के समागम में बैठे थे। अभी अभी कुंभ होगा हरिद्वार में, वहां भी उसी तत्व का विचारण करने के लिए जाएंगे। और अभी हरिद्वार में वैष्णव महाकुंभ चल रहा है, उसमें भी विचार हो रहा होगा कि दीप सिखा सुने चौगुने चायन, देखो देखो कुतो न सुनो न कहूं, वह कैसे स्वरूप वह कैसे सुभायन। कौन उसका स्वरूप है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? वारे गोस्वामी जी, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। इसीलिए सभी लोगों के ऊपर ये भारी ग्रंथ हो गया, वो कैसे स्वरूप वो कैसे सुभायन। अरे हे रत ठेढ़े रत टेरत हारी परो, रस खान बतायो न लोग लुगायन। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा केवल रटते रटते होगा, इखेतुर जेत्वा नहीं नहीं, सहस्त्र शीर खा नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। रटते रहोगे क्या है सुख? रसखान कह रहे हैं, आत्मनिवेदन कर रहे हैं, कोई स्वरूप बता नहीं पा रहा है वो क्या है। लेकिन जब थक गए तो देखो, अब देख रहे हैं, अब ध्यान लग रहा है कि देखो कुलीन। बोले कैसे कुलीन में? बोले कैसे पुलीन में? बोले देखो दूरे वह कुंज कुटीर में, बैठे रहो वह राधिका पायन। वो देखा, आनंद आ गया। बोले वो तो वही है, वो छलिया है, वो क्या कर रहा है? वो तो राधिका के पैर को चाप रहा है, चरण दबा रहा है। ये बहुत बड़ा संदेश है। माता पिता सामने हैं और हम चले गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, माता पिता की सेवा नहीं हो रही है। गुरु गुरुवा हो जाते हैं, गुरु सामने माता पिता हैं, सद्य ब्रह्म है। हमारी स्तुति भगवती क्या कहती है? मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, और क्या बोल रही है? वो दिखे ही नहीं, लगता है रसखान को वो दिव्य दृष्टि मिल गई। वो तो राधिका के पैरों को चापने वाला है और हम कहां खोज रहे हैं? विषयांतर नहीं है, वही चीज 88,000 की तितिक्षा है, गुरु की बात है। मुनि अगम आनंद लोचन सजल तनु पुल कावली, रोमांच हो गया। तर्क वितर्क कहां चले गए? भगवती मां शबरी के
शरीर से सद्य सूचना आ गई, शरीर बता दिया, और क्यों नहीं बताता है? आप शरीर के प्रति सजग हो जाएं, ब्रह्म तो यहीं उतरेगा ना, आपके आंगन में खेलेगा ना, आप उसको आंगन में खिलाने की तपस्या करने के लिए शरीर को उस तरीके से सजगता के साथ शरीर को साधेंगे, वही तो तपस्या है ना। तो जब वाम अंग फरका सबरी जी का, तो अपने गुरु की बात याद आ गई, आंखों से पुलकावली आने लगी, सजल नयन हो गई, रोमांच हो गया शरीर से। त्रिन परसाल बनाई, बोले अब रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, अब हो गया, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो बहुत छोटी सुविधा रखी थी। बोले नहीं नहीं नहीं, अब सूचना मिल गई, तब क्या करें? अरे वो आ रहे हैं। कौन? अरे वही जिसके लिए हम रोज राम राम रटते रटते हैं, वो आ रहे हैं, तो कैसे उनको रखेंगे? त्रिन परसाल, पर्णकुटी का निर्माण करना शुरू कर दिया माँ ने। जल भरी कलश, आप जब अकेले रहो ना, हम सब जब अकेले रहें, घर में कहीं लोग तीर्थाटन के लिए चले जाएं, कोई परीक्षा के क्रम में चला जाए, कहीं अकेले रहे, तो बहुत आलस्य लगता है। एक क्या टाइम का भोजन बना लीजिए, उसी भगवान को भोग लगा दिए, लड्डू गोपाल हैं तो बस, लड्डू गोपाल हैं तो बस, एकमात्र थोड़ा सा आएंगे दूध वाले, चढ़ाएंगे दूध गोस्वामी, चढ़ा देंगे बस, तो देव मस्त गोविंदम हो गया। आलस्य आता है, मूल चीज आलस्य करने के लिए। लेकिन जब पता चला, सोचिए अपनी सेवा करने के लिए भी हम लोग को आलस्य आता है, इस तत्व को समझिए, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा। हम अगर भगवान को अगर न रखें तो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखेंगे, पता नहीं कि संसार में चले जाएंगे। ये साली ग्राम की बटिया हम लोग को जीवन का आधार दे रही है, हमारे राधा माधव कृष्ण गोपाल जो भी हमारे मूर्ति हैं, वो हम लोग को जीवन का आधार दे रही है, लेकिन हम कितने बड़े आलसी हैं आप देख लीजिए। अरे अपने लिए क्या करना है, जब सूचना मिली है ना। त्रिन परसाल, पर्णकुटी की रचना शुरू कर दी हिमा ने, और जल भरी कलश, तुरंत कलसे को फिर माजना शुरू किया। अरे हमारे राम आ रहे हैं, ले आ रही हैं। परांबा भगवती मंदाकिनी का जल, पंपा सर का जल लेकर आ रही हैं भगवती, क्या बात है। फल चाहन चली, अब चल गई फल को लेने के लिए, अरण्य में चल रही हैं, अरण्य कांड का ही वो प्रसंग है, अरण्य में चल रही है, जहां जहां सुंदर सुंदर फल चल रहा मिल रही है उसको लेने चल रही है। आप उस दृश्य को एक क्षण भर में देखिए कि कैसे वो 88,000 साल की वृद्धा, या आज वो ही देखिए कि नहीं वो कर पा रहे कल्पना, एक 50 तो बहुत मैंने ज्यादा वो बोल दिया, आप 85-86 साल के लोगों को देखिए, जब भक्ति के रास्ते में आते हैं, करते हैं, कैसे कैसे फलों को लेने के लिए शरीर में दम नहीं है, किसी प्रकार से औषधि के द्वारा शरीर चल रहा है, लेकिन दौड़ रहे हैं, ले आ रहे हैं। बहुत कठिन सेवा है सगुण ब्रह्म की, बहुत कठिन सेवा है सगुण ब्रह्म की। अगर बहुत आराम से आनंद आए, आंख बंद करके आप जप करते रहिए करते रहिए, कौन देख रहा है, कौन नारायण आ रहे भोजन कराने के लिए, आंख बंद करते रहिए, लेकिन कठिन सेवा है ये सगुण ब्रह्म की, आज भगवती माँ कर रही है सबरी। फल चाहन चली, त्रिन परसाल बनाई, जल भरी कलश, फल चाहन चली, मंजुल मनोरथ करती। मनोभाव भी आपका अच्छा होना चाहिए, किसके लिए? कभी कभी बहुत आप
प्रतीक्षा अगर आपने किया है तो आपको अनुभव है, मेरे सुयोग्य भगवत कृपा प्रेमी श्रोता लोग, आप लोगों ने प्रतीक्षा की है, आपको अनुभव है। जब आप किसी की प्रतीक्षा करते हैं तो समझ में आता है वहां से आ रहे हैं, आपका बेटा ही आ रहा हो, आपकी बेटी आ रही हो, आपका पोता ही आ रहा हो, अरे उस विद्यालय से निकल गए, अभी आ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, दिमाग में कई चीजों से आ रही, अरे आजकल रास्ता ठीक नहीं, ऐसे वैसे वैसे मनोरथ, भगवान जल्दी पहुंचा दो, जल्दी पहुंचा दो, जल्दी पहुंचा दो, जल्दी निकट आ जाए। मंजुल मनोरथ करीब, कहीं मुड़ न जाए, अरे हमारे कुटिया से कहीं दूर न चले जाए। कोई राजनेता आता है तो हम लोग खड़े होकर इंतजार करते, कहीं आ तो जा, हमारे को देख तो ले। कोई अभिनेत्री आती है, अभिनेता आता है तो हमको देख ले, खड़े हैं, अरे मन में रहता हमको देख ले, हाय हेलो करते करते। आज वो 88,000 वर्ष की तपस्या की करने वाली तपस्या मूर्ति माँ इंतजार कर रही है, मनोरथ कर रही है कि कहीं हमको छोड़ के तो नहीं जा रहे, इतना मेहनत कर रहे। मंजुल मनोरथ करी, नहीं नहीं नहीं, अरे बाम अंग फरका है, अरे गुरु की आज्ञा हुई है उनकी ऐसी कि तैसी। ये भगवान के भक्त ही बोल सकते हैं, 88,000 की तपस्या है, 88,000 की तपस्या है, हमको तो देंगे लेकिन फिर भी कितने सुयोग्य विनीत आ तो रहे हैं, वो छोड़ न दें, उस रास्ते को छोड़ न दें। मंजुल मनोरथ करी, बोले अब क्या कर रही हैं, कि सुमिरत विप्र बरबानी भली। नहीं नहीं नहीं, आएंगे आएंगे आएंगे, मेरा जो सारा प्रयास है, मैंने सारी जो तपस्या की है, अभी अभी सद्य जो काम किया है, वो हमारे गुरु की वाणी है, हमारे गुरु बार बार हमको आश्वासन दे रहे हैं, अब तो वो नहीं है, वो तो नक्षत्र के रूप में दे दीप्यमान है, साकेत में है, भगवान के साथ नित्य लोक में लीला कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म जो विप्रवाणी है वो अभी भी गूंज रही है। ऐसे कई लोग हैं जिनके कभी गुरु नहीं है साक्षात, ये शरीर चला गया है लेकिन ब्रह्म गुरु के मंत्र याद आ रहे हैं, गुरु के द्वार याद आ रहे हैं। जब माला उठती होगी मंत्र याद आता होगा, तो गुरु ने जब मंत्र में डाला होगा वो याद आता है। वारे शबरी जी, ये तो भक्ति तो अभी निरूपण होगा, लेकिन शबरी जी की स्थिति तो देखिए, क्यों नवोधा भक्ति शबरी जी को ही क्यों उतर गई, क्यों उतर गई, बहुत अभी आगे थे, अभी उससे पहले बहुत लोग थे, उनको क्यों नहीं उतर गई प्रतीक्षा। प्रतीक्षा गुरु कृपालु, गुरु की कृपा से तो एक पीछे भी छूटे थे संत, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, वहां क्यों नहीं उतरी। हम तुलनात्मक अध्ययन और तुलना की बात नहीं कर रहे, हम यही कहना चाह रहे हैं कि भगवान ने प्रतीक्षा का क्या फल दिया और किस भाव से वो मिल रही हैं, क्योंकि अपने मन में जो वो निवेदन उन्होंने किया, गोस्वामी जी की आचार संहिता रामचरितमानस में, अधम ते अधम अधम अति नारी, सबरी जी कौन है, अपने आप को जो आत्मनिवेदन में करके ये बता रही हैं कि अधम ते अधम अधम अति नारी, बोले नहीं नहीं वो है कौन, दैन्य भाव की पराकाष्ठा है वो, दैन्य भाव की पराकाष्ठा है वो, दिखा रही है, दिखा नहीं रही है, हम सबको सुझा रही है रास्ता यही है। घबरा रही है, मंजुल मनोरथ करती सुमिरत विप्रवानी भली। नहीं 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 नहीं,
कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, वो लीक छोड़ के नहीं जाएंगे, उसी रास्ते से अरण्य से उसी हमारा जहां तीन साल मैंने स्थापित किया है, जो हमारी झोपड़ी कुटिया नहीं नहीं मैंने इसको रिनोवेट किया है आज की अंग्रेजी की भाषा में, वहीं आएंगे। अभी मैंने जल भरा है, वो रास्ता छोड़ेंगे नहीं। बोले बल है सबरी जी, लगता है सबरी जी ने आप मंथन करके अपने से बात कर रहे। बोले हाँ हाँ हाँ, अरे हमारे गुरु ने बोला है, गुरु कृपालु। बोझो कल्प बेली सकेली सुकृत सफूल फूली सुख फली। तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु जागृतो दूर बुदैति सत्यवंत। जो शिव संकल्प मस्तु जो है जागृतो, जब निकल रहा है, दूर मुदयति दैवंत दुसुप्तस्य तथैव इति दूरंग मन ज्योति खान ज्योति रेकन तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। शिव संकल्प जो भगवान की कृपा से निकल रहा है, तो सारा का सारा अगल बगल का जो वृक्ष और जो थोड़े बड़े लताएं हैं, वो उन्होंने क्या हुआ, अपने रंगत बदल दिया है अपने आप। जो ब्रह्मवाणी की बात उन्होंने स्मरण किया, अपने आप लगता है कि बसंत आ गया है, कलरव शुरू हो गया, उत्सव का अरण्य में उत्सव शुरू हो गया है। भगवती सबरी को अब आश्वासन मिला कि नहीं नहीं नहीं, नहीं रास्ता तो सही है। बोले प्राण प्रिय पाहुने आई है राम लखन मेरे आजू। जब बसंत हुआ तो गान शुरू हो गया ना, प्रफुल्लित हो गई गुरु की वाणी बार बार सुमिरन करके। जब देखा कि लताओं ने भी समर्थन कर दिया, पुष्पों ने समर्थन कर दिया, विनीत होकर भगवती सबरी अब उस मनोरथ को गाने लगी कि प्राण प्रिय पाहुने आई है राम लखन मेरे आजू। ये भाव हम लोग में आएगा क्या? तुम्हें महता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। प्राण प्रिय सुना दिया, किसी ने कह दिया कि गुरु ने कह दिया, तर्क वितर्क की बात नहीं, कह दिया प्राण प्रिय। कैसे प्राण प्रिय भाई, कैसे प्राण प्रिय, क्या हो तुम, तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारे पोते हैं, कोई संबंध है? बोले हां है। कितना युग चला गया है, उस राम की तपस्या कर रही हूं, उस राम की प्रतीक्षा कर रही हूं, जिसको मेरे गुरु ने प्राण ही रख, अपने प्राण से प्राण प्रियतम रखा है, उन्हीं की आराधना में इस शरीर को, नश्वर शरीर को आहूत कर दिया था। एतावता गुरु शिष्य परंपरा से प्राण प्रिय है मेरे वो। प्राण प्रिय पाहुने आई है राम लखन मेरे आजू। गुरु भी तो वही करते थे। गुरुजी से आप लोगों ने नहीं पूछा कि कभी राम जी का कोई संबंध है क्या आपसे? सबरी जी ने कह दिया कि नहीं नहीं मन घबराना मत, लोग ऐसे पूछेंगे, ये संसार वाले हैं, किसको पूछ रहे हो, कोई सब कुछ देता है दिलासा, कुछ नहीं है, किसको कह रहे हो, कैसे प्राण प्रिय हो जाएंगे, सब स्वार्थ के हैं यहां, कैसे प्राणप्रिय हो जाएंगे। नहीं नहीं, गुरुप्रिय गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ये प्राणप्रिय मेरे हैं। जानत जन जिय की मृदु चित राम गरीब निवाज। चलो हटा देते हैं, इस तर्क से हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जानत जन जिय की मृदु चित
अरे वो जानते हैं, बल मिला है, अरण्य में रह रही हैं, 88,000 वर्ष की तपस्या है, पिछले ही अभी प्रकरण से बल मिल गया है। सुतीक्ष्ण जी की बात स्मरण कर लिया होगा, क्या बात है सुतीक्ष्ण जी की, क्या बोला था उन्होंने कि एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की, है ना। हम उसको जाने कि ना जाने, एक बार मैंने राम राम कह दिया तो उनकी बानी है, एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति नयान की, हम उनके नाम पर आज न्यूछावर हो गए तो हो गए, चाहे फर्जी हो गए चाहे बोकस हो गए, हमने अपने आप को निछावर कर दिया, वो कहां छोड़ेगा। चिल्ला चिल्ला के कठोपनिषद की बल्लियां यही तो बोल रही हैं, जम के कुटाई हुई है ना यमदूतों की, बल भर मारा गया है। इसी तत्व को लेकर सुखदेव जी षष्ठम स्कंद में उच्चई सर से गंभीर नाद से बोल रहे हैं, परीक्षित जी सुनिए, मृियमाणो हरिर्नाम गृण पुत्रोपचारित अजामिलोप्यगाधाम किं पुनः श्रद्धया गृणन। एक अजामिल नाम का आतताई अपने ब्रह्मवर्णाश्रम से भ्रष्ट होकर ब्राह्मण कुल का उत्पन्न अजामिल नाम का जो आतताई जो संप्रति में था, मृियमाणो हरिर्नाम गृणन पुत्रोपचारित, मरते समय मर रहा है, अब गई तब गई, चिल्ला दिया ना नारायण, मृियमाणो हरिर्नाम गृणन पुत्रोपचारित अजामिलोप्यगाधाम किं पुनः श्रद्धया गृणन। बोले अब नाम में संशय है परीक्षित जी, कथानक शुरू हो गया अजामिलोप्याख्यान की, क्या है। बोले वो ही है सो प्रिय जाके गति नयान की, इसलिए बोले जानत जन जिय की मृदु राम मृदु चित राम गरीब निवाज। अरे हम जैसे दुखियारियों का कौन है जिसके बारे में कुछ अता पता नहीं, कौन सी अहित की कृपा मिल गई कि मुख से एक शब्द राम नाम निकल रहा है, कैसी अहित की कृपा मिल गई कि राम नाम निकलने के लिए इतना सुंदर शरीर मिल गया, अद्भुत कृपा मिल गई कि संसार में रहते हुए भी राम नाम सुनने सुमिरन करने के लिए कथा सुनने का समय मिल गया। अप्रतिम कृपा रह गई, अकल्पनीय कृपा हो गई कि काशी में रहने का और काशी को सेवन करने का फल मिल रहा है। किसके लिए राम गरीब निवाज, ये वही है सबरी जी आह्लाहित हो गए, आह्लाहित आनंद में हो गई। बोले कि अब तो ये संबंध आ रहा है ना समझ में कि राम गरीब निवाज है। बोले मृदु चित गरीब निवाज वाजु विराज है गृह आई खे, वो जो गरीब निवाज है ना वो तो हमारे घर में आएंगे, वो नाटक नहीं करेंगे कि हम बैठ के भोजन करेंगे, बड़ा बड़ा चोना पहन के जो आजकल के कंटेस्ट में बड़े बड़े लोग राजनेता दिखाते हैं कि हम तो ये हैं वो हैं, विषयांतर नहीं कर रहा हूँ, तो गरीब निवाज हैं, भगवान ने अपने चरित्र से दिखाया। बोले हाँ वो गरीब निवाज हैं तो क्या करेंगे। बोले मृदुचित गरीब निवाज वाजु विराज हई गृह आई के,
जब गरीब निवाज है तो गरीब की कुटिया में ना आएंगे, वो कहाँ जाएंगे उन जगहों पे? आएंगे हमारे यहां बैठेंगे। अब दृढ़ता आ रही है। बोले ब्रह्मादि शंकर गौरी पूजित पूजी हूं अब जाई खे। अब तो आनंद आएगा ना, जिनके चरण रज की धूली के लिए अनेकों अनेकों ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के शासक अधिपति, ब्रह्मांडपति, 14 भुवन लोकपति, जिनकी संज्ञा ब्रह्मा विष्णु महेश की है, जिनकी संज्ञा 14 इंद्र की है, जिनके पूजन के लिए नलालायित रहते, उनके चरण रज की धूली के लिए लालायित रहते कि हमारे ब्रह्मांड है, हमारे व्यवस्था में एक बार उनका पदार्पण तो हो जाए। वो गरीब नवाज आज हमारे कुटिया पे बैठेंगे और हमारी कुटिया पर बैठकर हमारे द्वारा वो सेवित होंगे, हमारे द्वारा वो पूजे जाएंगे। लहिनाथ हो रघुनाथ बानो, और मैं भी प्रसन्न होकर ऐसे देवता की पूजा करूंगी जिसके पूजन के लिए लालायित रहते हैं। आप देखिए आज के परिवेश में, देखिए जिन्होंने तपस्या कर लिया, जिसकी तपस्या प्रगाढ़ हो गई, जिसके पीछे आज के परिवेश में लाखों करोड़ों की भीड़ जाती है, वो कहते हैं बड़े 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 सेठ मारवाड़ी साहूकार लोग कहते हैं गुरुजी हमारे कुटिया में जरा चरण रज रख दीजिए। गुरुजी वहां जाते हैं, कई गुरुजी हैं उनकी तपस्या बोल रही है, उनकी तपस्या बोल रही है, वो अच्छे हैं बुरे हैं वो हम क्यों करें, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हम ही लोग अपने ग्रेस मार्क भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग तो अभी ब्रह्म का निरूपण और राम नाम जप लें उतना ही काफी है। उन लोगों ने कुछ ना तपस्या किया है, पूजन उन इसलिए पूजन उनका हो रहा है। और आप लोगों ने भी देखा है बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत महंत जब आते हैं, आचार विचार के वाले आते हैं, तो लोग लालायित रहते कि एक बार संतों का चरण, ऐसे श्रीमानों का चरण मेरे यहां चला आ जाए। तो क्या 88,000 की हमारी साध्वी, हमारी मां सबरी जी ऐसी लालसा नहीं करेंगी? बोले करेंगी, आज इतरा रही हैं। बोले ब्रह्मादि शंकर गौरी पूजित पूजी हूं अब जाई के। पता नहीं कितने करोड़ बिलियन के मालिक होंगे अंबानी साहब, विषयांतर न हो लेकिन स्वनाम धन्य, इस समय भागवताकार रामायण में भी प्रवीण हैं ओझा जी, रमेश भाई ओझा जी, चाहे मुरारी बापू जी, चाहे अपने इस समय ब्रज के अच्छे संतों में, क्या इस समय संपूर्ण भारतवर्ष के विभूति या विश्व के विभूति में अपने मलुक पीठाधीश्वर जी के चरण रज की धूली के लिए अंबानी भी लगाते हैं सम लाइन कि एक बार ऐसे संतों का मेरा पदार्पण हो जाए? तो आज भगवती सबरी क्या कम अपने आप को बड़भागिनी बांध रही हैं? बोले हाँ हाँ, जिस चरण के लिए लालायित रहते हैं, और ये जो उपाधि रखी उन्होंने कि ब्रह्मादि शंकर गौरी पूजित पूजी हूं अब जाई के। ब्रह्मा जी करते क्या है? बोले सृष्टि की रचना ही करते हैं ना, वेद विहित सृष्टि की रचना करते हैं भगवती श्रुति के अनुसार। तब वो भी चाहते हैं कि हमारी बुद्धि स्थिर रहे, भगवत चरणों में रहे, कहीं वो अनियंत्रित न हो जाए, इसलिए चरण रज की आकांक्षा चाहते हैं। अब लहिनाथ हो रघुनाथ बानो पतित पावन पाई के। आहा, मैं तो अब अघाऊंगी,
वो तो पतित पावन गरीब नवाज तो है, ये पतित पावन है। पता नहीं क्या हमारे अंदर कुछ खोट रह गया कि 88,000 वर्ष लग गए। ब्रह्मलीन उड़िया बाबा कहते थे, उनके पुस्तकों के अवगाहन करने से पता चलता है, बड़े बड़े संतों के द्वारा सुना भी है, मैंने पुस्तक भी देखा पढ़ा। किसी ने उनसे पूछा कि भगवान का दर्शन चाहिए, कितनी देर में हो जाएगा? बोले एक क्षण हो जाएगा। सबको पता है। बोले एक क्षण हो जाएगा? बोले कैसे? बोले अकुलाहट चाहिए उतनी के लिए। बोले अकुलाहट क्या होता है? बोले अच्छा चलो साथ गंगा जी उठाए और डुबाए गप से। हाँ बचाओ बचाओ बचाओ। बोले हाँ बचाने के लिए। बोले वो अकुलाहट वही चाहिए, प्राण रक्षा के लिए, जैसे आप हमसे कर रहे थे कि जल्दी निकालिए मेरा अब जाएगा तब जाएगा। बोले वही अकुलाहट से पुकारोगे तब भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। बोले फिर अष्टम स्कंद गोस्वामी जी के द्वारा कोई करता है क्या? श्रीमद् भागवत का अष्टम स्कंद, श्रीमद् भागवत के उस गजेंद्र मोक्ष की कथा का विस्मरण कर रहे हैं आप। वो अकुलाहट ही तो थी। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते की जो बात अंतिम में आ रही है, तब तब बोले एवं व्यस्तो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजा परमं जाप्यं प्राग जन्मनु शिक्षितम्। अकुलाहट आज लहिनाथ हो रघुनाथ मानो पतित पावन पाई के, कुछ तो कमी हो गई होगी ना। तो गरीब निवाज आ रहे हैं लेकिन हमारे कुछ कमी, कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसी कमी हो गई होगी कि 88,000 वर्ष की तपस्या करवाए तो अब तो पतित पावन भी एक नाम है ना। हम तो अपने आप को पतित और पतित ही मानते हैं, इसीलिए अधम ते अधम अधम अति नारी की बात करते हैं। अब पतित पावन हमारे यहां आएंगे, लहिनाथ हो रघुनाथ बानु, उनकी बानी, उनका उनका जो बाना है, उनकी जो इच्छा है। बोले पतित पावन पाई के, जब अपने हृदय की बात संवाद होगा। दुओर लाऊ अघाई तुलसी तीसरहुं गुण गाई के, जब प्रभु का साक्षात्कार होगा ना उस पतित पावन राम से, उस गरीब निवाज राम से, तो हमारा ही कल्याण नहीं होगा, सब लोग हमारा ही कल्याण नहीं होगा। कल्याण किसका होगा? अरे जिससे जो हम लोगों हमसे जो खिलवाड़ करते थे, ए सबरी माई तुहार कब भगवान नहीं है, कब भगवान नहीं है, कब भगवान नहीं है। बोले वो भी जब देखेंगे हमारे कुटिया में, कहा बाबा कहा बुढ़िया माई आवत हुआन नहीं आवत हुआ ना, अरे का तपस्या करत हो, राम राम करत हो, अरे दू रोटी खा सुता का राम राम, ये सब राम भगत के बाधक भी होते हैं। कोई की मिला लगी तो के मिली है, कई लोग आपके आपको पथ से हटाने वाले भी रहते हैं। का राम राम कुछ हुआ? देखे एक लोग चले गए, आपके वो सुरहित चले गए, कुछ हुआ? यही होता है ना संसार में, कुछ मिला मतलब नाम जापक लोग, इस रास्ते पर आने वाले लोग भी बनिया प्रवृत्ति वाले हो जा रहे हैं, वड़िक प्रवृत्ति वाले हो रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा यहाँ की घाटी है, इसको पार करना है। 1,000 नाम तो मैं रोज लेता हूँ, तब कुछ मिल रहा है? 100 रुपया भी तो नहीं मिल रहा है, तब मत करो, चलो वो काम करो। अरे महाराज यहाँ दर्शन वो करता हूँ रोज, गौर के केदारेश्वर का जप करता हूं, सांगो पांग पंचोपचार करके, षोडशोपचार करके, राजोपचार करके अभिषेक होता है, तब कुछ मिला? आए है दुनिया यही है। आप एकांत में भी अपनी तपस्या कर लेने लगे, देखा है अब तो भक्ति बनल है,
कुछ मिलल नहीं लगत सास पतो में कुछ बहुत ज़्यादा चल गल, आपको जीने नहीं देंगे, लगता है कि घर में चल नहीं रहा है तो मालवी जी यहाँ के मुमुक्षु बन बैठ के तपस्या कर रहे हैं, लगता है कि कुछ हो गया घर में, क्या है ये। माँ सबरी वहाँ भी, क्योंकि आप अरण्य में भी जाएं और अरण्य में भी तो भगवान ने कई लोगों का, कई लोगों की कई लीला को देखा है और कई लोगों का सुधार किया है। भैया पीछे में करता हम अगवे जाइला। तो आज माँ क्या कह रही है, दुहोर लाहू अघाई तुलसी तीसरे हूँ गुण गाई के। अरे जो तीसरे लोग हैं ना उनकी भी व्यवस्था माँ ने कर दिया। गोस्वामी जी ने अपनी नेत्र पटल से, दिव्य नेत्र पटल से जब वो देखा भगवती सबरी की उस तितिक्षा को और उस मनोरथ को जब देखा है ना, तो अपना भी दांव फिट किया है। बोले हम तो वही है ना, पतित पावन के दरबार में हम कुछ नहीं हैं। अरे माँ आपके आराध्य राम, सगुण राम आपके कुटिया में आएंगे, तृणसार में आएंगे, हम लोग तो आपको बड़ा हुटिंग करते थे, आपसे बड़ा एक खिलाड़ी और खिलवंदड़ी वाली बात करते थे, चुटिली बात करते थे। अरे हम लोग का भी कल्याण हो जाना चाहिए, हम जैसे जीवों कल्याण होना चाहिए, हम लोगों तो हर बात पर केवल उंगली उठाने की आदत रहती है, नू मतलब कहा कहा जाता है, हम लोग केवल और केवल आलोचना के दृष्टिकोण से रखते हैं, हम लोग कुछ हमारा भी कल्याण हो जाए। माँ ने कहा क्यों नहीं। बोले दुहोर लाहू अघाई, अरे तुम पतित पावन हो, माने ऐसे वैसे बात नहीं की, तुम पतित पावन हो, गरीब निवाज हो, हमारी कुटिया में आओगे तो गरीब निवाज की उपाधि और दृढ़ता के साथ रखोगे, तभी तो गरीब निवाज कहलाओगे। किसी अट्टालिका पे जाओगे तो गरीब निवाज कहां कहलाओगे। और जो रोज 10,000 गायत्री का जप करता हो उसके पास आओगे तो उसके को तुम क्या तारोगे, वो तो खुद ही सद्य तरा हुआ है। जो रोज भगवती गीता का आश्रय लेता हो उसको क्या आप तारोगे। अरे हमको तो आओ न तारो, तब तो पतित पावन हो। ये उलाहना है माँ की, सबरी की, तब तो पतित पावन कहलाओगे ना। जो रोज गंगा गौ गायत्री गंगा का आवाहन करता है उसके पास आके क्या कर लोगे, एडजेक्टिव से एडवर्ब करवा लोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। गरीब निवाज रहोगे, विशेषता रहेगी और क्रिया विशेषण करवा लोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन शुद्ध रूप से जो गरीब निवाज हो और पतित पावन हो, ये तो हमारी कुटिया में हमारी तृणसाल पर जब आओगे, हमारे जो कलश में जो जल है शुद्ध जल है, और तो और जो हमारे द्वारा चुने हुए फूल हैं फल हैं कंद मूल हैं, उसका जब दर्शन परस और उसका जब सुस्वादु भोजन करोगे तब न पतित पावन कहलाओगे। इसलिए दुहुलाहू, हमारा लाभ तो है ही है, इसी के लिए तितिक्षा किया है, तुम्हारा भी लाभ है। जो कहा गया कि रामचंद्र की जो यात्रा है, सगुण रूप भगवान राम की जो यात्रा है, वन प्रदेश में यात्रा है, वो वन से बनने की यात्रा है, वो वन में गए तो बन गए, जो संतों ने भाव दिया तो जो बन कैसे गए। अरे पतित पावन बनना है तो हमारी कुटिया में आना पड़ेगा। दुहोर लाहू अघाई, और हम जैसे लोगों का क्या कल्याण होगा, जो केवल और केवल मीन मेख वाली बुद्धि रखते हैं कि का गुड़िया दादी कितना राम राम जपत हो, क्या होगा, क्या होगा, इससे क्या मिलने वाला है। गोस्वामी जी ने खोला, अरे माँ हम तो वही हैं, संसारिकता में ओतप्रोत, आहार निद्रा भय मैथुन से ओतप्रोत, भगवान की कृपा दृष्टि से आंखें खुल गईं, शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी, हो गए। तो जरा हम लोग की भी बुद्धि, हम लोग का भी कल्याण हो जाए, क्योंकि जीव के कल्याण के लिए जो राम कथा चल रही है ना,
उसका भी कुछ कल्याण हो, हम लोगों का कल्याण हो जाए। तो भगवती सबरी ने कहा कि हाँ हाँ, दुहोर लाहु अघाई तुलसी तीसरे हूँ गुण गाई के, जो हम जैसे तीसरे लोग हैं वो कैसे इसका लाभ ले लेंगे। बोले गुण गा के लाभ ले लेंगे, हमको तृणसाल की आवश्यकता नहीं है। 88,000 अकाट्य कहीं कटने वाली तपस्या की आवश्यकता नहीं है, ऐसा शरीर ही नहीं है। गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र को 24 घंटे सुमिरन करने की भी आवश्यकता नहीं है। बोले तब, बोले भगवती सबरी के द्वारा जो रास्ता खोल दिया गया है, तुलसी तीसरे हूँ गुण गाई के, केवल उनके गुणानुवाद को कर लीजिए, रास्ता खुल गया। बोलिए भगवती सबरी मैया की जय। इसलिए पानी जोरी आगे बैठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। अभी बढ़ेगी, लेकिन अभी एक स्टेप पहले ही हम चल रहे हैं, क्योंकि मन में जो मनोरथ हो रहा है, अभी प्रथम भगति संतन कर संगा जो कल की कथा में आप लोगों ने अवगाहन किया था एक कल्प ऋषि के द्वारा। मैंने प्रथम कहा कि ये कल्प कल्प का भेद है कि इस कल्प में एक कथा अभी अभी कल आपने सुना था, दूसरे कल्प की कथा यहां सुन लीजिए, क्योंकि अब ये अबाध परंपरा चल रही है। केवल शरीर का प्रतिस्थापन है, नहीं तो बीज वही मानसराज पंडित विजयानंद त्रिपाठी जी की परंपरा, राम गुलाम द्विवेदी जी की परंपरा, अपने काशजीवा स्वामी जी की परंपरा ही चल रही है। तो ये बहुत ही सुंदर भाव, और इस भाव से हम चाह रहे हैं कि एक सुंदर एक भजन हो जाए आप लोगों के द्वारा। उसके बाद कुछ श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 इमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 भजमन नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। आज भगवती माँ हम लोग की शबरी जी
इतनी प्रतीक्षा करने के बाद, मनोरथ करने के बाद, हम लोगों को भी अपनी इस प्रतीक्षा का लाभ, अपनी तपस्या का लाभ समर्पित करने के लिए यह रास्ता खोली कि गुण गाय के गोस्वामी जी ने अपनी आचार संहिता में वही किया। बोले कि अब भगवान जब आए, सबरी जी एकटक निहार रही हैं, अपलक देख रही हैं, क्या बोले क्या बोले। फिर धीरे से आभास हुआ, क्योंकि जब आप अपने प्रेमास्पद का आश्रय ले लेंगे, साक्षात आ ही गए, इसको ऐसा समझा जाए कि पता चला कि आप ने एक अमूर्त रूप से ही, जैसे कोई आप का कोई काम हो गया और उस काम के सुनने मात्र से ही जो हर्ष शरीर में उत्पन्न होता है, उस हर्ष का जो अनुभव है वो केवल आप ही बता सकते, और कोई नहीं कर सकता। आज तो परीक्षा का दौर चल रहा है, पता चला कि रिजल्ट आ रहा है, किसी ने दूर से कहा कि ओहो देखिए रिजल्ट आ गया, पास हो गए, उतने ही मात्र से, आपने अंक पत्र देखा भी नहीं, कितने अंक से प्राप्त हुए, कहाँ डिस्टिंक्शन मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप इस अमुक परीक्षा में पास हो गए, उसके बाद आप अपनी मनोदशा को देखिए। और साक्षात अगर अंक पत्र सामने आ जाए तो आप क्या सोच सकते। ये केवल ये सद्य जो अपने शरीर से उत्पन्न जो अनुभव है वो आप बता सकते हैं, ये उसका अनुभव करते हैं। लेकिन आज जब 88,000 वर्ष की सद्य, अब वृद्धा कहना नहीं क्योंकि भगवान के सामने सद्य प्रसूता कहा जाए, कि 88,000 वर्ष की सद्य प्रसूता, भक्ति प्रसूता कहा जाए, भक्ति प्रसूता जब साक्षात्कार कर रही हैं निर्गुण ब्रह्म को, के कलेवर को छोड़कर सगुण ब्रह्म के रूप में आए हुए राम का, तवा पानी जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। आए वो स्वामी जी ये क्या कह रहे हैं, 88,000 में प्रीति नहीं बढ़ गई थी क्या? अरे प्रीति बढ़ने का ही तो प्रभाव था कि आपके नाम को रटते रटते इस यहां तक आ गई। बोले नहीं नहीं, अब जब देखने की जब बारी आई ना तब प्रीति बढ़ गई। अरे यही है क्या, क्या कोई निरूपण किया होगा। अच्छा ये बताइए, हम लोग अपने से विचार करें कि अरण्य में भगवती हैं, सबरी जी हैं, और बड़े बड़े तत्व वेत्ता महर्षि ऋषि इत्यादि हैं, खुद गुरु भी ऐसे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी कथा का लाभ तो मिलता ही होगा ना, कहीं ना कहीं छोटे समय के लिए तपस्या की मूरत बंत वो हैं, कहीं ना कहीं मन नहीं लगता होगा तो कथा सुनने जाती होंगी ना, कोई किसी ब्रह्मर्षि से किसी महर्षि से उस कथा का कहीं अवगाहन होता होगा, ब्रह्म तत्व के सगुण रूप का निरूपण होता होगा तो कहीं मन में बैठता होगा ना। बोले प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, वहां कहीं ना कहीं जब किसी ब्रह्मर्षि परमर्षि के द्वारा जब कथा का राम कथा का अवगाहन जब उन्होंने सुना होगा और गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्र को और मंत्र का जब निरूपण किया, मंत्र का अनुसंधान किया अपने द्वारा, तो कहीं ना कहीं स्वरूप दिखा होगा ना, आपको अनुभव हुआ होगा, हमको भी अनुभव होता होगा, क्षण भर होता होगा, होता होगा। इसलिए प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। एक और उदाहरण देख लीजिए, हम सुर में गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं, क्या है प्रमाण? बोले कि आपका तानपुरा, आपका स्केल, आपकी श्रुति, आपकी मूर्छना, आप कहां सा लगाएंगे, सी पर लगाएंगे कि डी शार्प पे लगाएंगे, सी शार्प पे लगाएंगे, उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी आज के परिभाषा में, मेरी कितनी वाणी,
वो जब कहीं आपसे समस्वर होगा तब लगेगा कि आप सुर में हैं। इसलिए प्रभु ही मिलो की प्रीति अति बाढ़ी, गुरु के द्वारा बताए हुए ब्रह्म का वो निरूपण जो है, सगुण ब्रह्म का जो निरूपण है वो सद्या प्रसूत हो गया, उत्पन्न हो गया। आह बस बस यही सा है मेरा, यही मेरा सा है, यही मेरे आराध्य हैं। अब वही कपोल वाली जो व्यास जी ने कही थी, पूर्व कल्प के जो ऋषि ने भी कथा कही थी, वही कि कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप जब भाव से भर के जब जाओगे, मंदिर जाओगे या आप एकांत में जाओगे या आप भगवती श्रुति गीता का भी का एक श्लोक उठा लोगे, भाव से पूरे हुए हो, रामचरितमानस की अर्धाली उठा लेंगे, भाव से पूरे हुए हुए हो, तो आप आपके कंठ अवरुद्ध हो जाएंगे, आप बोल नहीं पाओगे, केवल आपके बोलने की क्षमता पता नहीं कहां विलीन हो जाएगी, पता नहीं वो किस सा में मिल जाएगी, किस स्वर में समस्वर हो जाएगी, केवल आपकी आंख ही बयान करेगी, आपकी अक्षरुधारा ही आपको आपका प्रमाण देगी। अस्तुति स्तुति कहां विलीन हो जाएगी, क्यों क्यों विलीन हो, फिर वहां आप आपके मनोरथ वहां आपके शून्य हो जाएंगे, आप जो पूर्व काल में संकल्पना कर रहे थे, समझ रहे थे क्या समझेंगे, उनसे लड़ेंगे, उनको उलाहना देंगे कि इतना इतना क्यों प्रतीक्षा कराया, हमारी सुध क्यों नहीं ली, इत्यादि मनोभाव जो बने, विविध प्रकार के मनोभाव से भरे पूरे हुए हैं, आज वो निकलने का समय आ जाए। कैसे योंत प्रवेश मम वास्मि मां प्रसुप्ताम, ध्रुव जी अवरुद्ध हो जाएंगे, लगाना पड़ेगा पद्मनाभ को अपना संख, प्रीति जब बढ़ जाएगी तो अश्रु ही बोलेंगे, आप मूक हो जाएंगे, असली निर्गुण से साक्षात्कार होगा, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, जब सगुण दिखेगा तो आप निर्गुण हो जाओगे और जब सगुण नहीं दिखेगा तो आप निर्गुण की बात करोगे, वैसी वर्षा हो जाएगी, जब सगुण दिखेगा तो खुद आप वो निर्गुण हो जाओगे, इच्छा रहेगी कि सगुण से सगुण बात करे, लेकिन आप अवरुद्ध हो जाओगे, आप जा ही नहीं सकते, एक क्षण भी आप स्तुति के लिए आप फिर जय जय सुर नायक नहीं बोल सकते, क्योंकि आप पीड़ित नहीं हैं, आप पीड़ित नहीं हैं, आपको पद की लालसा नहीं है, इंद्र पद की लालसा नहीं है, आप पद से च्युत नहीं हैं, आपको किसी आतताई ने कष्ट नहीं दिया है, वो स्थिति क्या है, वो इस निर्गुण ब्रह्म की वो समस्वर यहां सर्वव्यापी सर्व शक्तिमान सत्ता को बुलाने के लिए वो सर्वव्यापी है, मेरी सुध नहीं ले रहा है, कहां है वो, उसको पुकार करने की वो स्तुति है, लेकिन अपने लिए अपने मैं फिर भक्ति अभी नहीं बोलूंगा, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलने के क्रम में, मंत्र के अनुसरण करने के क्रम में, मंत्र जाप के अनुसरण करने के क्रम में और गुरु के द्वारा दिया गया जो रास्ता है उसके दिखाए रास्ते पर चलने के क्रम में जहां मनोरथ हो रहा है और जहां वो सगुण ब्रह्म अगर उपस्थित हो रहे हैं तो आपको पीड़ा नहीं है, वो आपकी मूलभूत तपस्या है, वहां तो आपका कंठ अवरुद्ध होना स्वाभाविक है,
इसलिए कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। गिरा दिया एक क्षण में, अपने को गिरा दिया, समर्पित कर दिया। कोई अभिमान रहा क्या? आती हूं देखती हूं आ रहे हैं, 88,000 वर्ष की तपस्या किए हुए हैं और इसी समय में आ रहे हैं, ऐसे वैसी थोड़ ना हूं, तपस्या किया है, क्या करूंगी? जब मिल ही गए तो अब क्या करें? किससे शिकायत करें? तुमसे शिकायत करें? प्रभु आपसे क्यों शिकायत करें? आप तो खुद ही हमारे द्वार पर आ गए हो उन्हीं मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। आ तो गए, निराभिमान निर्भिमान हो गए, निर्भिमानी भाव आ गया। अधम जाति में जड़मति भारी, भाग नहीं रहे स्तुति करने से। जिसने 88,000 बार बार, मैं कह रहा हूं कि जिसने 24 घंटा एक बार राम नाम हम लोग कर लें एक बार, उसके बाद अपने शरीर की स्थिति देख लीजिए, या 8 घंटे या 10 घंटे रोज आप मौन ही साधना कर लीजिए, किसी से बात नहीं करिए। मौन मतलब कि आपकी आंख भी किसी से लड़े ना, मतलब आई इंटरेक्शन भी ना हो, उसके बाद अपनी स्थिति देख लीजिए क्या होगा, क्या होगा? बोले कुछ सात्विकता कुछ आएगी, लगेगा किससे बात करें, सब तो वही है, सब कुछ होगा। लेकिन भगवती सबरी जी ने भगवान के स्वरूप को देखते ही अपने उस स्वरूप को ध्यान कर लिया, जिस स्वरूप के द्वारा ही मेरा कल्याण होने वाला था, और जिस स्वरूप को मैंने पूर्व में धारण किया था उस शरीर का ही आधान किया, उस शरीर को रखा। बोले स्तुति करने की अधिकारी तो मैं हुई नहीं, तो गुरु ने एक रास्ता दिखा दिया। अधम जाति में जड़मति भारी, शबर भील, शबर नाम की भील जाति की उत्पन्ना मैं, मतंग ऋषि के आश्रम की आश्रिता मैं, उनकी पूर्व कथा, पूर्व जन्म की कथा का व्याख्यान हनुमान जी की कृपा से कल मैं करने की का प्रयास करूंगा। प्रसंग तो अभी लगा होगा, प्रथम भक्ति संतन प्रसंगा, लेकिन दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा जो मैं मुझको निवेदन करना है, उसकी पूर्व जो पीठिका मैं बना रहा हूं कि किसकी मैं बात करूं। हम लोग बात में पहले बात कर लें कि दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा हम लोग सुनने को तैयार हैं तब ना। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा कैसे आएगा? अरे पहले भगवंत की बात छोड़िए, भक्त को तो सुन लीजिए। भगवंत तो ऐसे टेढ़े हैं कि 88,000 वर्ष की तपस्या कई लोगों को, कितने लाखों की तपस्या करा दे रहे हैं, वो नहीं आ रहे। लेकिन भक्त की बात है कि खींच ले आ रहे हैं। इसलिए अधम जाति में जड़मति भारी, हाँ, जो जड़ है वो कैसे आपकी तपस्या, कैसे आपकी स्तुति कर सकता है, वो कैसे वो निरूपण कर सकता है कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमन जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। ये तावता मैं क्या जानू तुम्हारा स्वभाव क्या है। हमारे गुरुजी ने बोला कि राम 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 जपते रहो, तुम अखंड मंडलाकार हो, व्याप्तम ये निचरात ये कर रहे हो, परात परम हो, क्या हो? हम कहां से बात करें, विष्णु सहस्त्र नाम की स्तुति करें, विष्णु सहस्त्र नाम का आधान करें,
कि भगवती श्रुति का आवधान करें, हम तो जड़ मति भारी हैं, उस तरफ तो उस क्षेत्र में मेरा कहीं 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 गति हमारी गति नहीं, हम कहां जाएं। इसलिए अधम जाति में जड़ मति भारी। आइए आज के प्रसंग को यहीं विश्राम, कल पुनः हम लोग उस यात्रा पे चलेंगे जिस यात्रा के लिए हम श्री राम जय जय राम। ठीक है, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदौ सब लायक। श्री राम जय राम जय जय राम। शीतल सुभग भगत सुखदाता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रिपुसूदन पद कमल नमामि। सूर सुशील भरत अनुगामि। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम।
आबु बघाना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मिटि है पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार श्री भरत श्री भरत श्री भरत श्री भरत श्री भरत अथ आरती ही।